डीसी के द्वारा जो दिया गया है, अभी तक उस पर कार्रवाई क्या हुआ है बीडीओ साहब के द्वारा, और उस महिला को कब तक आवास मिल जाएगा? पक्के मकान वालों को मिल जाता है, कच्चे मकान वाले जो गरीब हैं वो बिल्कुल पिछड़ जाते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं रहता। आखिर सर कहाँ पे ये गड़बड़ी कहाँ पे? जांच का विषय है कि कैसे उन लोगों का नाम छूट गया, उन लोगों का नाम आना चाहिए था। कंडीशन सर आपने न्यूज में देखा होगा, देखा बिल्कुल झोपड़ी है, चूल्हे पे जो है खाना बनाती है। ऐप के माध्यम से नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी, सरकार का जब दिशा निर्देश मिलता है तो 100% गारंटी उसका प्रायोरिटी रहेगा। बिल्कुल 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 100% उसका नाम जुड़ेगा। दो FIR भी हुआ है और एक तीसरा प्रोसेस में है, हम लोग जाँच करके उस पर करेंगे। आवास सहायक द्वारा 20 से 25 हज़ार रुपये का इंदिरा आवास का ये प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। मेरा नाम पंकज कुमार भारती है और आप देखना शुरू कर चुके हैं GGN एक सच। 2-3 दिन पहले मैंने रसूलपुर पंचायत का न्यूज चलाया था, एक दिव्यांग महिला है और उसका पति भी दिव्यांग है, उसी के संबंध में मैं आज BDO साहब के पास मौजूद हूं, इनसे तमाम बातचीत करेंगे कि आखिर कहां योजना जो है आवास योजना में जो बहुत सारी गड़बड़ियां पाई जा रही हैं, आवेदन भी पंचायत से BDC के द्वारा जो दिया गया है अभी तक उस पर कार्रवाई क्या हुआ है BDO साहब के द्वारा, और उस महिला को कब तक आवास मिल जाएगा, इसी संबंध में बातचीत करेंगे। स्वागत है BDO साहब हमारे चैनल में। धन्यवाद। जो आवास मिलने का प्रोसेस है उसमें अभी जो आवास मिल रहा है उसके लिए आवास ऐप के माध्यम से लगभग 2 साल पहले लोगों का नाम जोड़ा गया था जी। तो अब ये तो जांच का विषय है कि कैसे उन लोगों का नाम छूट गया, उन लोगों का नाम आना चाहिए था जी। लेकिन अब जब भी सरकार के द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा छूटे हुए लोगों का नाम जोड़ने का जी, तो प्राथमिकता के तौर पर उनको लेके हम लोग कोशिश करेंगे पहले दूसरे नंबर पर उनको आवास दिलाएँ, जो दिव्यांगजन है जो उसका पूरी अहर्ता रखते हैं। कंडीशन सर आपने न्यूज में देखा होगा, देखा बिल्कुल झोपड़ी है, चूल्हे पे जो है खाना बनाती है मतलब जलावन से, बहुत स्थिति गंभीर है। नहीं, उस चीज़ को हमने देखा है, और जब भी ऐप के माध्यम से नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी, सरकार का जब दिशा निर्देश मिलता है तो 100% गारंटी उसका प्रायोरिटी रहेगा। बिल्कुल 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 100% उसका नाम जुड़ेगा। अच्छा, पंचायत में सर एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत सारा चीज़ जो है मतलब पक्के मकान वालों को मिल जाता है, कच्चे मकान वाले जो गरीब हैं वो बिल्कुल पिछड़ जाते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं रहता। आखिर सर कहाँ पे ये गड़बड़ी कहाँ पे होती है? देखिए, अभी तो पंचायतों के द्वारा ही नाम जोड़ने की प्रक्रिया की गई थी 2 साल पहले, और पक्के मकान में भी एक दो चीज़ों को देखिएगा आप लोग, जैसे आवास की अर्हता के लिए, जैसे एक ही अगर किसी का 2-3 कमरे का पक्का मकान है और उसके 4 लड़के हैं जी, उसमें अगर किसी का नाम है तो उसको दिया जा सकता है, क्योंकि उसके हिस्से में 2 कमरे का मकान नहीं होगा एक व्यक्ति के। तो ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं, और हम लोग इस पर कार्रवाई भी किए थे, लगभग 250 लोगों का जो पक्का मकान रखते थे उन लोगों को हम लोग रिमांड करा के हटाए भी हैं। तो हम लोग अनवरत कोशिश कर रहे हैं कि पूरी पारदर्शिता से और अच्छे तरीके से काम हो, और इस पर 2 FIR भी हुआ है और एक तीसरा प्रोसेस में है, हम लोग जांच करके उस पर करेंगे। और जहां तक BDC के उसका सवाल है, तो BDC को खुद फरवरी में ही मार्च में शायद वो आवेदन 13-3 को दिया हुआ, उस आवेदन की जांच करा ली गई है आवास पर्यवेक्षक और JSS के माध्यम से, क्योंकि पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं है और उसमें लिखा आवास सहायक द्वारा 20 से 25 हज़ार रुपये का। नहीं नहीं, किससे लिया जा रहा है, किससे लिया जा रहा है, हम लोगों ने तो करीब करीब 2500 लाभुकों से बातचीत किया, 25 से ज़्यादा लोगों से, लेकिन किसी ने ये तो नहीं कहा कि हमसे लिया गया है। खुद BDC को भी इंदिरा आवास का ये प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, और बुधवार बृहस्पतिवार को जिला स्तर से भी टीम आती है जाँच करने, उस जाँच के क्रम में भी किसी ने नहीं कहा जी। तो ये एक तरह से हमको ये नहीं लगता है कि आरोप की सत्यता है, फिर भी हम एक बार पूरे पंचायत के लाभुकों से बात करेंगे, अब टीम बना के हम लोग देखेंगे। अगर कुछ निवेदन है कि आके कम से कम उस महिला का कंडीशन देखें। मैं आऊँगा, देखूँगा, और जब भी ऐप के माध्यम से नाम जोड़ा जाएगा उसका नाम श्योर जोड़ा जाएगा। आश्वस्त रहे वो लोग कि हाँ, अगला बार जो भी नाम जोड़ा जाएगा और आपके द्वारा आपके माध्यम से उसका भला हो जाएगा, बिल्कुल घर बन जाएगा एकदम 100%, बशर्ते उनको अगर पहले लाभ नहीं मिला हो जी। ठीक है, अगर कई बार होता है कि 10-15 साल पहले लाभ दिया जा चुका हो, तो एक बार जिस योजना का लाभ अगर किसी को मिल गया तो दोबारा नहीं मिलता है। अगर उनको इस योजना का लाभ नहीं मिला है पूर्व में, तो एकदम 100% उनका नाम आएगा।
और उनको मिलेगा इसका लाभ। ठीक है सर, एक चीज़ और बता दीजिए, जो आम आदमी गांव के जो जनता है जिसका कोई पैरवी नहीं है, बोलता है कि बिना पैरवी से हम बीडीओ साहब से कैसे जाकर मिलें, और उसका काम नहीं हो पाता है, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश दीजिएगा, क्या पारदर्शिता है आपके पास कि वो आके कोई भी आपसे मिल सके? देखिए हम लगातार सभी से मिलते हैं, हमारे लिए ऐसा कहीं बोर्ड नहीं लगा है कि मिलने का समय ये है। जब भी हम यहाँ पे अगर किसी मीटिंग में सिवान वगैरह नहीं जाना पड़े तो प्रतिदिन मैं अपने कार्यालय में बैठता हूँ और प्रतिदिन 10 से 5 कोई भी आए बेधड़क, उनको रोक टोक नहीं है। आपके सामने भी कई लोग आए राशन कार्ड पर साइन कराने के लिए, हमने बेधड़क बिना पूछे उनका देखे साइन कर दिए। तो हमारे यहाँ किसी को मिलने से रोक नहीं है। मोबाइल नंबर भी सबके पास है, पंचायतों में भी है, अगर कोई यहाँ नहीं आ सकता है तो मोबाइल पे सीधे कोई मामला है बताएगा, उस पर उसके अनुसार एक्शन लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समझ गए।